मंदिर में माता बहने भैया लोग सब लिखते हैं शुभ और लाभ। दुकान में तिजोरी में लिखा होता शुभ और लाभ। ये शुभ लाभ कौन है, कौन बताएगा शुभ लाभ? गणेश जी के पुत्र है। गणेश जी के पुत्र, जरा जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। शुभ और लाभ देने वाले, आपका कोई काम हो, कोई बिजनेस हो या नौकरी पे आप जाते हैं, शुभ लाभ का ध्यान करिएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। बोलिए गणेश भगवान की, गणपति महाराज की। अब ताली बजा के कहेंगे, तेरा नाम है शुभ लाभ देने वाला, तेरा नाम है शुभ लाभ देने वाला, तेरा नाम है शुभ लाभ देने वाला, करिश्मा तुम्हें अब, करिश्मा तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। आएगा जीवन में श्रद्धालु भगत जन, बिल्कुल सीधे हाथ पर उठा करके गजानन प्रभु को बुलाएंगे, और यही नहीं यहाँ से अपने साथ अपने घर पे ले जाना है सभी ने। ताली लगा के कहेंगे कि गजानन प्रभु तुमको, गजानन प्रभु तुमको, रिद्धि सिद्धि को साथ। ताली लगा के क्या कहेंगे, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, 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 आना पड़ेगा। प्रार्थना है गणेश भगवान से कि हे गणेश भगवान, गणपति महाराज, जिस प्रकार से तेरे भक्तों ने तेरे चरणों में तालियों के माध्यम से, भजन के माध्यम से हाजिरी को रखा, इन्हें सारे भक्तों के हर काम को पूरा करना। बोली गणेश भगवान की। जो से सच्चे दरबार की, भगवती मैया की, हल्दी कदमी मैया की। बड़े भाई ने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति पेश की है, और बहुत दिन गदगद हो रहा है इस 9 जून की जागरण के, अपनी माता को बहनों सबको देख करके माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा गला भरा हुआ है। सबको पहले तो मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आज कई सालों के बाद हम इस प्रांगण में एक साथ 9 जून को बैठे हैं, जो कि आज हमारा 10वां जागरण है। शायद आप सभी को पता होगा, बीच में हम
कुछ कोविड टाइम पे जाना नहीं कर पाए और उसके बाद एक बहुत ही दुखद खबर जिनके कारण ये जागरण की नींव पड़ी थी, हमारे माननीय श्री रतन सिंह जी जिसके आप सामने एक मूर्त देख सकते हो, आज वो हमारे बीच नहीं है मगर हमारे दिलों में वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है, हमारे बीच कहीं ना कहीं वे हैं। उनके एक शब्द आपको याद होंगे, हम रहे ना रहे पर ये जागरण रहेगा, हमेशा होगा। उसी के चरण कमल पर हम चलते हुए ये 9 जून का जागरण हर वर्ष करेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा आप सभी पे इसकी कृपा बनी रहे और जो ये नींव माननीय श्री रतन सिंह जी जो मोटर से बिलोंग करते थे और आप जानते हैं उन्हें, एक बहुत ही सामाजिक प्राणी और हमारे जैसे जितने भी लड़के बालक उन्हें खड़े किए हुए हैं हर जगह एक बहुत ही प्रेरणादायक हमारे व्यक्ति थे। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारे लिए चाहते थे हमारे माननीय चौहान जी, जानते होंगे धीरेन्द्र सिंह चौहान, कई बार आएंगे भी थे, तो बहुत ही हमारे प्रिय व्यक्ति थे और हमेशा हमें से जागरण में साथ देते थे और एज ए चीफ गेस्ट हमारे साथ रहते थे, पर इस बार उनके भी ना होने से मैं बहुत अपने आप को अकेलापन भी महसूस कर रहा हूँ। क्या करें, विधि का विधान है, जो आया है उसे जाना है। पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पिंजोली के साथ के भाई मिल नहीं पाया हूँ मगर आप जानते होंगे पिंजोले जी हमारे प्राइमरी स्कूल के पीछे जो घर है, ताली बजाएंगे एक बार, ये उनकी देन है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बस आपको यही बताना चाहता था, तो मैं विनती करूँगा अपनी जो माननीय हमारे रतन सिंह जी उनकी वाइफ हैं श्रीमती उर्मिला देवी जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं भैया देवेंद्र सिंह रावत, उनको सम्मानित करेंगे जो हमें माननीय रतन सिंह जी ने दिया था, हमें कदम कदम पर साथ देते हैं। मेरे हमारे माननीय पंडित जी के बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ, भैया की हल्दुखदनी हमारे इस 9 जून के कार्यक्रम में हमें कराने वाली वो माँ है। सबसे पहले तो जो यहाँ पर माइक से अनाउंस कर रहे थे सोनू जी, इनका सम्मान करेंगी उर्मिला जी जो हमारी भाभी है दूसरी वाली, आज आए क्योंकि बागडोर संभालना बहुत बड़ी बात होती है और ये कभी से लगे हुए हैं, तो इनका सम्मान करेंगी उर्मिला भाभी। सोनू जी कृपया मंच पर आए, दे रहे हैं और आज भाई भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि भाई की यही इच्छा थी कि आज हम इस प्रांगण में फिर से इकट्ठा हुए हैं और इसी तरह जागरण मनाते रहे। और जैसा भाई ने कहा था, अभी सोनू जी ने बताया कि जागरण हर साल होता रहेगा और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम होना है क्योंकि जब श्रोता सुनने वाले नहीं होते तो जागरण करने वाला भी क्या करेगा, इसलिए सभी ने सहयोग देना है और पूरा जागरण सुनना है, सुबह तक जागरण आज का दिन माता के नाम में करना है और अपनी अपनी मन की मुरादें लेकर जो यहाँ पर आए हैं माँ सबकी इच्छा पूर्ण करेगी। और एक व्यक्ति को और सम्मानित करना चाहूँगी जो हमारे पंडित जी हैं जो आज सुबह से हमारे साथ में लगे हुए हैं, श्री अखिलेश ढोडियाल जी कृपया मंच पर आए क्योंकि हमने वहाँ से जब कलश यात्रा निकाली पंडित जी भी हमारे साथ झूमते नाचते गाते हुए आए हैं और कृपया मंच पर आए हैं और सभी ने जागरण का माता रानी से ध्यान से मन से ये जागरण सुनना है। क्या क्या राय है भक्ति जन और
पर क्या क्या लेके आना है, एक दूसरे से क्या कहना है। कोई पायल ले जरा फूल भी तो कोई मैया के कंगना, कोई मैया के कंगना, कोई मैया की चूड़ी, कोई मैया की, सब मिलकर जय जय, सब मिलकर जय जय Yeah.
मैया, ओ मेरी मैया आनी। अच्छा आप Oh,
भगवती माँ को बुलाया, जरा हाथ उठा करके माता रानी के चरणों में हाथ जी रखेंगे और क्या कहना है सभी ने। मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है मैया देने वाली है भक्त लेने वाले हैं, मैया देने वाली है भक्त लेने वाले हैं, मैया देने वाली है भक्त लेने वाले हो, मैया देने वाली है भक्त लेने वाले हैं, जिसे चाहिए वहाँ आपको लीजिए। हाँ ठीक, आपको लीजिए, उधर उधर पीछे वाले, हाँ सबको चाहिए ना, जिसे चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या चाहिए, इच्छा है आपकी जो मांग लो, कि जरा मीठे मीठे तालियों से आप बोलेंगे कि जरा जोर से जरा जोर से Thank you.
मुंड महल तू लो दिला बड़ू जा फूल महादेवा बन जब बड़ू जा फूल महादेवा बन जब बड़ू जा मुंड महल तू लो दिला बड़ू जा मुंड महल तू लो दिला बड़ू जा फूल महादेवा बन जब बड़ू जा फूल महादेवा बन जब बड़ू जा Thank you.
जय माता दी।